एआईसीसी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का दौरा है 17-18-19-20 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में चंदन यादव रहने वाले हैं। रायपुर, रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर का दौरा करेंगे। सुबह 9 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे, 3 बजे रायगढ़ जाएंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव दोपहर 3 बजे रायपुर से रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। रात्रि 8 बजे रायगढ़ पहुंचकर कांग्रेस जनों से भेंट और चर्चा करेंगे। 18 अप्रैल जशपुर, 19 अप्रैल बलरामपुर, 20 अप्रैल को अंबिकापुर में कांग्रेस जनों से सीधे चर्चा करेंगे। तो 18-19-20 17 से 20 तक ये जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वाति कौशिक हमारे समाचार लाइव जुड़ गई हमारे साथ। स्वाति, 17 से लेकर 20 तक चंदन यादव का जो दौरा है वो कितना खास माना जा रहा है, तमाम जो कार्यक्रम है विस्तृत जानकारी स्वाति। जी बुशरा, देखिए ये जो चुनावी वर्ष है इसके ठीक पहले प्रभारियों का लगातार बैठक और उनकी कांग्रेस जनों से चर्चा, ये कई मायनों में अहम है। सरगुजा संभाग को इसको ऐसा भी देखा जा सकता है कि जो प्रभारी हैं वो सरगुजा संभाग को साधने की कोशिश इस बार करेंगे। आज वो सुबह लगभग अब से कुछ देर में रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उसके बाद आज रायपुर में कांग्रेस जनों से चर्चा करने के बाद रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो वहीं हमने जो तमाम तारीखों में देखा है वो जशपुर से लेकर अंबिकापुर तक ये दौरा उनका रहेगा। 17-18-19-20 चार दिनों का ये दौरा है जिसमें लगातार वो कांग्रेस जनों से बात करेंगे, क्योंकि सरगुजा एक बड़ा संभाग है, बड़े जिले उसमें शामिल है। तो वहां पर इस तरह चार दिन की बैठक लेना और कांग्रेस जनों से चर्चा करना कई मायनों में अहम है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि सीएम भूपेश बघेल के बाद जो टीएस सिंहदेव जो प्रदेश के कद्दावर मंत्री है वो वहां से आते हैं, अमरजीत भगत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उसके बाद अगर बात करें तो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम वो भी उसी क्षेत्र के मंत्री हैं। तो लगातार वहां से तीन तीन चार चार कद्दावर मंत्री होने के बाद वहां का जो पूरा समीकरण है कांग्रेस जनों के बीच उसको बनाने की एक कोशिश जो है वो इस पूरे दौरे के दौरान लोगों से चर्चा करके चंदन यादव बना सकते हैं। जी जी स्वाति, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर लौट रहे हैं आपके पास।